हे माय बटरफ्लाई, कैसे हैं आप सब? गुड। बिग हिट की फर्स्ट गर्ल ग्रुप ग्लैम के साथ क्या हुआ था? बिग हिट का पहला गर्ल्स ग्रुप ग्लैम जो एकदम से हिट होने के बाद अगले ही दिन ख़त्म हो गया। सोर्स म्यूज़िक जो बिग हिट का ही हिस्सा है, बिग हिट ही सोर्स म्यूज़िक कंपनी को प्रोड्यूस करता है, यानी बैंक पीटी ही सोर्स कंपनी का ज़्यादातर काम देखते हैं। तो आप बिग हिट कहें या सोर्स म्यूज़िक कंपनी, बात एक ही है। तो बिग हिट और सोर्स म्यूज़िक ने पहला गर्ल्स ग्रुप बनाया ग्लैम, जिसे ग्लैमर भी कहते हैं। इस गर्ल ग्रुप में 5 गर्ल्स थी, मिशो, दाही, जियोन, ट्रिनिटी और जीनी। 2012 में इनका डेब्यू हुआ और 2015 में ये डिसबैंड भी हो गई। इनफैक्ट BTS के JK, J-Hope, जिमिन, सुगा एक परफॉर्मेंस में इनके बैक डांसर भी थे। खैर, तो ये 5 गर्ल्स काफ़ी अच्छा कर रही थी, लेकिन 2014 में सब गड़बड़ हो गया। कोरियन एक्टर जो उस समय के बहुत फेमस एक्टर थे, ली बियोंग हुन, उन्होंने ये आरोप लगाया कि कोई 2 लड़की उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और उनसे 5 मिलियन वॉन मांग रही है। बाद में जांच करके पता चला कि वो दोनों गर्ल्स कोई और नहीं बल्कि ग्लैम ग्रुप की ही आइडल थी, दाही। 2015 में सियोल कोर्ट ने दाही को 1 साल जेल की सजा सुनाई। उसी दिन कंपनी ने बताया कि ग्लैम ग्रुप ने कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है और ग्लैम ग्रुप ऑफिशियली डिसबैंड हो गया। मार्च 2015 में दाही की सज़ा 1 साल से बढ़कर 2 साल की हो गई। दाही 2 साल तक जेल में रही। बैंक पीटी की गर्ल्स ग्रुप के मामले में किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ले सिराफिम के साथ भी ऐसा ही था। इसकी एक गर्ल्स, क्या नाम था उनका, किम गरम, जिसे बैंक पीटी ने निकाल दिया था क्योंकि उस पर स्कूल में कि वो सबको बुली करती थी, इसके इल्ज़ाम लगे थे। हालांकि ये बात और है कि वो इल्ज़ाम अब तक साबित नहीं हुए, पर फिर भी बैंक पीटी ने उसे निकाल दिया क्योंकि काफ़ी हेट मिल रहा था कंपनी को इस वजह से। लगता है इसीलिए बैंक पीटी बिग हिट में गर्ल्स ग्रुप को नहीं रखते, सोर्स म्यूज़िक में भेज देते हैं। जी फ्रेंड भी सोर्स म्यूज़िक में ही थी। कभी कभी लगता है बैंक पीटी ने सोर्स म्यूज़िक बनाया ही गर्ल्स ग्रुप के लिए है। ग्रुप वो खुद बनाते हैं और काम के लिए भेज देते हैं सोर्स म्यूज़िक के पास। खैर, फिलहाल दाही अफ्रीकन TV में एंकरिंग का काम कर रही है और बहुत अच्छा कमा रही है। पर बाकी जो मेंबर थी, इनोसेंट मेंबर जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनका पता नहीं वो क्या कर रही हैं। वो कहावत सुनी है, करे कोई और भरे कोई। बेचारी बाकी गर्ल्स को बिना बात के ही डिसबैन होना पड़ा। नेक्स्ट दी, मेरा क्वेश्चन है, मैंने सुना है कि लोग वी को हेट कर रहे हैं, सच है दी? आई एम फ्रॉम उड़ीसा। हेट? अच्छा, वो स्कार्फ के वजह से जो हेट मिल रहा था। दुराग, वी ने लाइव में ये रेड कलर का दुराग पहना था सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, जो उनको किसी और ने गिफ्ट किया था। एक्चुअली यहाँ कई ऐसे कल्चर हैं, कई ऐसे देश के लोग हैं जिनकी एक अलग हेयर स्टाइल है और स्कार्फ है यानी दुराग होते हैं। कोई दूसरे धर्म या स्किन कलर का इंसान अगर वैसे ही हेयर स्टाइल बनाता है या ऐसे स्कार्फ जिसे दुराग कहते हैं इसका यूज़ करता है, तो ये ऐसा माना जाएगा जैसे वो सामने वाले कल्चर का मजाक बना रहा है, उनकी इंसल्ट कर रहा है। ये जो कपड़ा है ये सिर्फ ब्लैक पीपल यानी काले स्किन कलर के लोग, खासकर अफ्रीका के लोग इसका यूज़ करते हैं, ये उनकी हेयर स्टाइल में आता है। अगर कोई फेयर स्किन गोरे रंग के लोग इसे पहनेंगे तो ये कल्चर की इंसल्ट करने में आता है। इसलिए जब लाइव में वी ने कुछ सेकंड के लिए पहना तो कुछ लोग वी से गुस्सा हो गए, किसने वी को ये गिफ्ट किया, वी ने दुराग क्यों पहना था। हालांकि वी के सपोर्टर ज़्यादा थे, सपोर्टर का ये कहना था कि वी को शायद इसके बारे में पता नहीं होगा कि ये किसी कल्चर का हिस्सा है। कुछ ने कहा कि वी ब्लैक पीपल के साथ काम करते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। वैसे भी वी ने इसे अच्छे तरीके से इज्जत के साथ पहना है, तो इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें या ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होती कि हमारे कुछ काम सामने वाले की इंसल्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हेयर स्टाइल, ब्लैक पीपल के हेयर नेचुरल ही ऐसे होते हैं, बाद में वो थोड़ा खुद से भी हेयर स्टाइल बना लेते हैं, लेकिन वाइट पीपल, गोरे लोग ऐसा हेयर स्टाइल नहीं बना सकते। अगर वो ऐसा हेयर स्टाइल बनाएंगे तो उनकी बहुत बेइज्जती होगी और उन पर ब्लैक पीपल के कल्चर और उनका मजाक बनाने और उनकी इंसल्ट करने का इल्ज़ाम लगेगा, जैसे लीसा पर लगा था। ये दिख रहे लीसा के ऐसे रेड कलर के बाल?
हाँ, इस वजह से लीसा को काफ़ी हेट कमेंट का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद लीसा ने माफ़ी मांगी थी। सेम BTS में भी RM शुगा, उनके भी ऐसे बाल थे पहले, उन पर भी भेदभाव करने के इल्ज़ाम लगे थे। देखा, एक हेयर स्टाइल से भी आप पर भेदभाव करने का इल्ज़ाम लग सकता है, जो ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं। चलो, आइडल को तो शायद पता ना हो, पर क्या स्टाफ मेंबर को भी पता नहीं था? एनीवे, डोंट वरी, VK दुरग वाला टॉपिक अब ख़त्म हो गया है। जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसकी डेट देख लिया करो, क्योंकि कई बार ऐसे बहुत पुराने पुराने टॉपिक होते हैं जिनके बारे में आज बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। एनीवे, ओके देन, फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, सी यू अगेन।